हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत ज्योति और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी WWE 2 गेम के बारे में, क्योंकि यह गेम इसी साल 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुआ था। तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। हाँ दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी WWE 2 गेम को बनाया है रेवन सॉफ्टवेयर ने, उसे पब्लिश किया है एक्टिविशन गेम्स ने। और हम इस गेम की रिलीज डेट की बात की तो यह गेम पिछले महीने की 3 नवंबर 2017 को पूरी दुनिया के लिए पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स वन के लिए रिलीज हो गया था। और अगर हम इस गेम की पीसी की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसका पीसी में मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको कम से कम i3 का 3.3 GHz का प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, इससे बड़ी भी हो सकती है कम से कम 8 GB, 2 GB ग्राफिक और 90 GB तक हार्ड डिस्क 90 GB मिनिमम और रिकमेंडेड में दोनों के लिए एक ही होने वाली है। उसकी अगर हम एक्चुअल डाउनलोड साइज की बात करें तो इसकी 50 से 60 GB के लगभग होने वाली है। और अगर हम इस गेम की प्राइस की बात करें, इसकी स्टीम पर प्राइस 3,999 रुपये, मतलब लगभग 4,000 रुपये करीब होने वाली है। और हम इस गेम की बात करें तो यह एक शूटिंग एक्शन एडवेंचर गेम है। यह गेम दो मोड में है, स्टोरी मोड और एक्शन मोड। इसके अंदर स्टोरी मोड में एक कहानी के जरिए हमें पूरा गेम खेला जाता है, और इसके दूसरे मोड में बहुत सारे जोंबिया होते हैं, मरे हुए लोग जिन्हें हमें मारना होता है, मरे हुए लोगों को फिर से मारना होता है। इस गेम की ये स्टोरी कह सकते हैं। तो यह गेम एक बहुत ही अच्छा गेम है, मगर इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको इस गेम को सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस प्राइस में बहुत सारे गेम मिलते हैं आप नहीं भी खेलते, मगर यह गेम बुरा गेम नहीं है, बहुत ही अच्छा गेम है। और आपको ये गेम पसंद आता है और आपके पास अगर ये गेम है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।